आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, भारत सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रही है, यूपीएस उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1/4/2025 से लागू हो। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला ये है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है, अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है, इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% होगी। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है, ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज ये है, इस पेंशन में कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% हर 6 महीने की सेवा में जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सपोज करिए कि किसी कर्मचारी की सेवा अगर 30 वर्ष की हुई है तो 6-6 महीने 60 टाइम्स होंगे, और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। तो 20,000 × 60 आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो एक ह्यूज अमाउंट होगा जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है कि जब भी डीए बढ़ेगा डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है इसका वो इंतजार भी कर रहे थे और इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे NCR में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो NPS और UPS दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं, उनके ऑप्शन को हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी या जो वर्किंग कर्मचारी है जो उनका ऑप्शन होगा उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, भारतीय रेल ही नहीं देश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगी, और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं। धन्यवाद। ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।